नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम। अगर आप भी अपने पाम का पेज एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज जो पाम आई है, ये एक फीमेल पाम है। इनकी एज है 32 ईयर्स 10 मंथ और अपने बारे में जानना चाहते हैं तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पाम की कंडीशन कैसी है, बनावट क्या बता रही है इनके पर्सनैलिटी के बारे में। तो पाम रेक्टेंगुलर शेप है लेकिन ज़्यादा लंबी है, मतलब ज़्यादा ही कुछ लंबी लॉन्ग पाम है और पतली भी है। तो ऐसे लोगों की जो इस तरीके का पाम होते हैं, इसे नैरो टाइप के पाम कहते हैं। देखिए कितनी लंबी है। ऐसे लोगों में एक पॉलम रहती है कि ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी भी पॉलम को लेके डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं। डिप्रेशन की बीमारी ऐसे पाम में कॉमन होती है। जितना ज़्यादा पाम रेक्टेंगुलर शेप होगा, जितना ज़्यादा पाम में मांस कम होगी, जितनी ज़्यादा माइन लाइन चंद्रमा माउंट के ऊपर झुकेगा, जितनी पाम में ज़्यादा छोटी छोटी जो डी स्ट्रेस लाइन है वो होगी, उतनी ज़्यादा ये वो लोग उतनी ही ज़्यादा डिप्रेस और जो हम कहते हैं कि एंजाइटी लेके या डिप्रेशन की बीमारी, ठीक है, इन लोगों को ज़्यादा होती है। तो ये कम ज़्यादा डिपेंड करेगा पाम की कंडीशन के ऊपर, लेकिन कॉमन सिम्टम ये है। पाम इसी तरीके से अगर आपको देखने को मिले तो कम ज़्यादा डिप्रेशन में तो ऐसे लोग रहते ही है। तो ये पाम की जो बनावट है बहुत कमज़ोर है नहीं, ठीक है ना। नैरो टाइप के पाम है, माइन लाइन की एक ब्रांच भी हमें चंद्रमा माउंट की तरफ जाती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच तो मंगल की तरफ भी जा रही है, ठीक है ना। तो ये बैलेंस बना रही है, हाथ में उतनी ज़्यादा स्ट्रेस लाइन है नहीं और पाम में मांस भी थोड़ा बहुत अच्छा है। तो इनको भी रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, एंजाइटी रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इतनी ज़्यादा रह जाएगी कि ये बीमार हो जाएगी और साइकोलॉजिस्ट को इनको दिखाना पड़े, ठीक है। उतनी ज़्यादा नहीं होगी लेकिन रहेगी। उसकी रेमेडी के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिंगर्स की अगर फॉर्मेशन की बात करेंगे तो थंब हमें बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, बेंटेड है तो फ्लेक्सिबल नेचर रहेगी। और व्हीलर लॉजिक पार्ट में लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी है, जिनके कारण ये मैनेजमेंट के काम अच्छी तरीके से कर पाएंगे, मतलब दूसरों से काम ये अच्छी तरीके से करवा पाएंगे। और वैसे भी है पाम नैरो टाइप के पाम है और पतली भी पाम है, तो बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत तो ये कर नहीं पाएंगे। तो इनके लिए जो सारे काम जहाँ पे बैठे बैठे किया जाए और दूसरों से करवाया जाए मैनेजमेंट के काम जैसा, उस तरीके का काम ये ज़्यादा सक्सेस अचीव करेंगे। फिंगर्स की फॉर्मेशन, अपर फिंगर्स की फॉर्मेशन, सारे फिंगर जो है सटन के फिंगर के ऊपर बेंट हो रही है। इसका मतलब इनका ज़िंदगी का मेन फोकस रहेगा पैसे कमाना, ठीक है, अर्निंग करना। अपर माउंट की जगह अच्छी मिल रही है तो ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन इनकी अच्छी रहेगी, ठीक है। हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी, जिसे हम लोग कहते हैं कि अच्छी घर, अच्छी कार, अच्छी बैंक बैलेंस के साथ ज़िंदगी सुकून से जीना, कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए हमेशा पैसे रहना, इस तरीके का फाइनेंशियल कंडीशन तो ये हमेशा ही लीड करेंगे, ठीक है ना। समय समय के साथ पैसे के परिमाण भी बढ़ जाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये एक हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी हमें पाम देखने को मिल रही है। अभी हम लोग माउंट की इंडिविजुअली एनालिसिस करेंगे। तो माउंट को देखेंगे तो मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग लाइन खींचेंगे तो ये जो है फिंगर्स से अगर हम लोग सीधा खींचेंगे तो एक्स्ट्रा पोर्शन हमें बाहर की तरफ जाती हुई देखने को मिल रही है। ये मरकरी माउंट की स्ट्रेंथ को बताती है कि इनकी मरकरी स्ट्रांग है। मरकरी स्ट्रांग होगी तो एनालिसिस करने की क्षमता, बिजनेस की सेंस, समझ, राइटिंग एबिलिटी, ये सब कुछ बहुत बढ़िया रहती है इनमें। तो कि कोई भी काम करे अगर उस काम में ये सारे चीज़ें है, ठीक है, जो मैंने डिस्क्राइब किया, तो आपकी सक्सेस और ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमें खड़ी लाइन देखने को मिल रही है तो मरकरी की स्ट्रेंथ और बढ़ाती है, लोगों में हीलिंग पावर भी देती है, मतलब लोगों की हील करने की क्षमता इनमें रहती है। इस तरीके का प्रोफेशन भी चुनती है। सन माउंट ठीक ठाक है लेकिन सन की लाइन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है इस पाम में, ठीक है। इस सिर्फ राइट पाम नहीं, लेफ्ट पाम में भी हम देखेंगे। तो देखिए ये है फेथ लाइन इनकी, यहाँ से ये सन लाइन उठ रही है, यहाँ से और एक लाइन उठ के दोनों लाइन मिलके इस तरीके से एकदम सीधी सन माउंट के अंदर तक जा रही है। और यहाँ पे इस तरीके का हल्की सी काइट की फॉर्मेशन भी बन रही है, ये वाली फॉर्मेशन बन रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बड़ी हमें सन लाइन देखने को मिल रही है, इतनी बड़ी सन लाइन। इसके साथ साथ अगर फेथ लाइन भी स्ट्रांग होता, जैसे है नहीं, तो ये बहुत बड़े सक्सेस अचीव करते। फिर भी सन लाइन जो पैरेलल सन फेथ लाइन के साथ चल रही है, ये सन लाइन इनको बहुत हेल्प करेगा अपनी जीवन में। इनकी
ये गुडविल के पीछे नहीं भागने पर भी इनको बहुत ज़्यादा गुडविल मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, हायर पोजीशन भी मिलेगा जितनी इनकी क्वालिटी रहेगी, ठीक है। जो भी इनकी क्वालिटी रहेगी, स्टडी रहे, एक्सपीरियंस रहे, ठीक है, अगर ये नौकरी करते हैं तो उससे ज़्यादा इनको रिकॉग्निशन मिलेगा। सन स्ट्रॉन्ग है तो रिकॉग्निशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जीवन में ना आप देखेंगे प्रैक्टिकली जो बात है कि मतलब अगर हम लोग हम पब्लिकली देखेंगे ना तो उसमें 30-40% लोग टैलेंटेड होते हैं, बहुत ही उनमें टैलेंट रहते हैं, नॉलेज रहते हैं, सब कुछ रहते हैं अपने अपने फील्ड में, लेकिन उनमें से सिर्फ 1-1.5% लोग ही जो है जिनको रिकॉग्निशन मिलती है और सक्सेस मिलती है। वो मेनली होती है सन के कारण। पैसे बहुत सारे लोग कमा लेते हैं लेकिन रिकॉग्निशन, आपको रिकॉग्निशन कौन देगा, आपको पहचानेगा कौन, आपका नाम कैसे फेमस होगा, ठीक है ना, वो सन के कारण होती है। तो ये इनके सन जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पैसे से ज़्यादा इनको समृद्धि मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगा, नाम मिलेगा। तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ये जो साइन बता रही है कि अगर आप किसी भी तरीके से विदेश के कंपनी से जुड़ते हैं या विदेश से जुड़ के कोई कामकाज करते हैं जहाँ पे आपके किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉरेन मनी इनफ्लो या फॉरेन मनी इनकम का अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आती है, तो वो सबसे बेहतर रहेगा आपके लिए। आप अपने कॉलीग में अगर किसी भी फील्ड में अगर एक मतलब एक ही साथ आप 3-4 लोग आप अपॉइंट होते हैं और कहीं पे नौकरी करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसे और प्रतिष्ठा आपको मिलेगा। ये कंफर्म कराती है सन की ये साइन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सन लाइन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सन लाइन है, गुडविल के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। सन में और देखेंगे तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, तो आपके खुद के ज़मीन घर बार ज़रूर होगी, उसकी इंडिकेशन देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी ट्रायंगल है तो मल्टीपल एसेट होने का जोग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सैटर्न माउंट को देखेंगे, सैटर्न माउंट में ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव कोई भी मार्किंग सैटर्न माउंट में है नहीं। धन रेखा की भी हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है तो धन की कमी नहीं रहेगा, ठीक है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी धन उसके लिए आपके पास समस्या रहेगा। पॉजिटिव है जुपिटर, ना ही बहुत बड़ी ना ही बहुत छोटी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लेडी के पाम में बहुत बड़ी जुपिटर माउंट होना अच्छी बात नहीं होती है, बहुत स्ट्रांग जुपिटर माउंट होना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ, अगर आप ज़मीन मतलब ऐसे वंश में आपका जन्म हुआ है कि आप हमेशा ही करोड़पति मतलब करोड़पति अरबपति फैमिली में किसी लेडी का जन्म हुआ है और वो हमेशा ही उसी तरीके का लाइफस्टाइल लीड कर रहा है, ठीक है ना, जैसे कि खानदानी जिसे कहते हैं एकदम बहुत बड़े सुपर रिच टाइप के, तो ठीक है वो मना पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उनके आदर्श फैमिली मेंबर्स भी जो जहाँ पे भी शादी होगी उसी टाइप के खानदान में ही शादी होगी तो मैनेज हो जाती है। लेकिन जो हम लोग आम जो जनता होते हैं, आम पब्लिक होते हैं, जो मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इकोनॉमी हम लोग जीते हैं, उन लोगों के लेडीज़ के अगर पाम में जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए तो उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होती है फैमिली में प्रॉब्लम आ जाती है। ये आप मिला लीजिएगा, ठीक है ना, तो देखिएगा आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी। अभी हम लोग बाकी माउंट की बात करेंगे तो मंगल माउंट ठीक ठाक है, मतलब कमज़ोर की तरफ ही है क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं मिल रही। देखिए इतनी ही सी जगह मिल रही है, इतनी सी ये वाली जो जगह है मंगल माउंट की है। डिफेंस मास ठीक ठाक है, एग्रेसिव मार्स हमें जगह छोटी मिल रही है। अभी इसी के साथ हम लोग लाइफलाइन को भी देखेंगे क्योंकि यही पे हमें देखना है। अगर हम लोग लाइफलाइन को देखेंगे तो लाइफलाइन देखिए इस तरीके से एक पतली सी लाइन आके यहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसी की एक ब्रांच आके यहाँ तक आ रही है और इसकी और एक ब्रांच इस तरीके से जा रही है। तो ये ब्रांच में बटी हुई पतली सी लाइफलाइन कमज़ोर है। इसके साथ यहाँ पर राहु लाइन की भी बहुत सारी कट है, समझिएगा इस बात को, ठीक है ना। पहले भी मैं बहुत सारे पाम में लेडी पाम में आप लोगों को बता चुका हूँ, नैनो टाइप के पाम भी हम लोगों को मिली थी और जो हमने केस स्टडी भी है कुछ, तो जहाँ पे मैंने बताया था अगर लेडी के पाम पतली हो नैनो हो और उसमें लाइफ लाइन में प्रॉब्लम हो, इवन स्ट्रॉन्ग पाम में भी अगर लाइफ लाइन में आपकी प्रॉब्लम दिखे, जैसे कि लाइफ लाइन चेन फॉर्मेशन, जॉब फॉर्मेशन, राहुल लाइन की फ्रीक्वेंट कट, उसके ऊपर सिर्फ राहुल लाइन की कट से नहीं होगी, मतलब लाइन स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर राहुल लाइन की कट है तो नहीं है, तो उसको मत लीजिएगा। लेकिन
अगर ये कंडीशन दो तरीके से बढ़ती है, मतलब जॉब की फॉर्मेशन उसके अंदर राहू लाइन की कट, चेन की फॉर्मेशन राहू लाइन की कट, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लाइन पतली है, हल्की है, कमज़ोर है, मल्टीपल ब्रांच में बटी हुई है, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब एक लाइन में सब पावर नहीं है, जो कमज़ोर कर रही है लाइफ लाइन को, उसके ऊपर राहू लाइन की कट है, तो ये लाइफ लाइन को कमज़ोर करती है। जब भी लाइफ लाइन को कमज़ोर करे किसी लेडी के इस एरिया में, इस एज के करीब, तो समझ लीजिएगा प्रेगनेंसी आने में और दिक्कत होती है, आ भी जाए तो मिसकैरेज का भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे पाम मेरे इसी चैनल में हैं जो इसी तरीके से प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, मैंने रेमेडी दे दी, उनमें से सभी का जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगा। ये जो सॉल्यूशन है बहुत सीधा है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक रेट को रन लेना है, इटालियन डीपेस्ट रेट। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि एक्चुअली कौन सा लेना है, तो मेरी मदद ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कोरा लाते हैं। एकदम वही आपका 15 कैरेट के करीब इस फिंगर में या फिर इस फिंगर में गोल्ड के साथ पहन लीजिएगा, नहीं तो बाद में जाके पहनना ही पड़ेगा, ठीक है, इन फ्यूचर आपको पहनना ही पड़ेगा, तो पहले ही पहन लीजिए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्या चीज़, आपकी चाइल्ड बर्थ को लेके भी आपकी सवाल है, तो आपकी चाइल्ड लाइन आ चुकी है मैरिज लाइन के ऊपर, छोटी छोटी लाइन जिसे हम लोग चाइल्ड लाइन कहते हैं वो आ चुकी है, तो इसका मतलब कभी भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम या टाइम नहीं है, तो यू आर रेडी फॉर दैट। तो आपको ये करना है, रेट को रन लेनी ही है। और एक क्या चीज़ है, प्रेग्नेंट एक बार आप हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपका फिजिकली आपको ठीक ठाक रहना है, मेंटली भी ठीक ठाक रहना है। सिर्फ पढ़ाई करिएगा प्रेगनेंसी के टाइम में, झगड़ा ना हो, खुश रहिएगा, कहीं पे ज़्यादा घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है, किसी अनुष्ठान में नहीं जाना है, किसी दुख, किसी के घर में कोई दुख है तो भी नहीं जाना है, ठीक है। कहीं पे भी, जहाँ पे भी ज़्यादा लोग एक साथ एक्यूमुलेट हो रही है, चाहे हॉस्पिटल हो, किसी के घर में रिसेप्शन की पार्टी हो, ठीक है, वहाँ पर कहीं पर भी आपको नहीं जाना है। आपको पढ़ाई वगैरह करिएगा, बच्चे अगर अच्छे चाहिए तो पढ़ाई करिएगा, खेलकूद देखिएगा जो टीवी में चलते रहते हैं, नॉलेजेबल जो सारे चीज़ है वो सब कुछ करिएगा, देखिएगा, किताब पढ़िएगा, तो इससे ठीक रहेगा, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप आ जाएंगे। इवन आप छोटी सी एक रात के लिए, मतलब एक टाइम के लिए एक छोटी सी पार्टी में जा रहा हूँ तो भी दिक्कत आ सकती है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। तो ये सब कुछ करना है, साथ में और क्या करना है, तीन मुखी रुद्राक्ष भी लेनी है, वो भी मंगल का है, और प्राण प्रतिष्ठित मंगल जत्रम अपनी बेडरूम में आपको रखना है, ठीक है। मैं कैसे क्या करना चाहिए मैं बता दूंगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा, मंगल जत्रम, तीन मुखी रुद्राक्ष और रेट कोरल, ये तीनों ही रेमेडी आपको लेनी है, इसको आपको करना ही है, नहीं तो दिक्कत आने के चांस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, क्योंकि लाइफ लाइन की बनावट ठीक नहीं है, ये आगे चल के आपके हेल्थ को भी प्रॉब्लम में लाएगी, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ लाइफ स्पैन है कि नहीं मैं बता नहीं पाऊँगा, लॉन्गजिविटी के बारे में मुझे, मैंने सीखा नहीं कि कितना किसका लॉन्गजिविटी होनी चाहिए, लेकिन ये लाइफ लाइन कमज़ोर है। वेनस माउंट की बात करेंगे, ठीक ठाक है, देखिए वेनस माउंट ठीक है, लेटर लाइफ में आपकी लाइफ लाइन ना होने के बावजूद भी, ठीक है ना, आफ्टर 50 आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी, क्योंकि वेनस माउंट की जो एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, थंब भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और जो मणिबंध की लाइन है वो भी हमें क्लियरली दो और एक हाफ, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मानी जाती है लाइफ स्पैन के बारे में, तो ठीक ठाक है आपकी लेटर एज, आपकी ठीक रहेगी, हेल्दी रहेंगे। चंद्रमा माउंट काफ़ी शार्प और क्लियर है, ठीक है, ये होनी भी चाहिए थी, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस में रहते हैं आप, एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा आ जाती, लेकिन कम है, लिमिटेड है, लेकिन फिर भी है। तो चंद्रमा माउंट में शार्प क्लियर सोने, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, क्रिएशन पावर आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। मेन लाइन की बात करते हैं, देखिए मेन लाइन जब हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे हमें जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, हार्ट लाइन में, हार्ट लाइन की बनावट अच्छी नहीं है, यहाँ पे पतला दिखेगा, यहाँ पे मोटी दिखेगी, यहाँ पे मोटी दिखेगी, ठीक है ना, तो ये जो लाइन होती है ये अच्छी नहीं मानी जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल मेन लाइन इनकी है नहीं।
उसमें से तो क्या होती है, ऐसे लोग थोड़े इमोशनल में वीकनेस होते हैं, कोई भी इनको इमोशनली कुछ कह देगा तो ये इमोशनल हो जाएगा, कोई भी इसको दबा सकते हैं बातों से ही, ठीक है। इनको अगर डाउन करना है तो डाउन कर सकता है कोई स्ट्रॉन्ग, इनसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लोग इनको आके डाउन कर सकता है, लेकिन कोई कोई इंसान होते हैं डाउन होते ही नहीं है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो उनको गुस्सा दिलाने के लिए, वो गुस्सा नहीं करेगा। उनसे आप एक इस तरीके से घुमा फिरा के बात करेंगे, वो इतनी ज़्यादा घुमा के आपको रिटर्न दे देगा कि आप उसके लिए आपके पास आंसर नहीं रहेगा। लेकिन जिन लोगों के हार्टलाइन कमज़ोर हो, ठीक है, ऐसे लोग दब जाते हैं, ठीक है, उल्टा सीधा झगड़ा कर सकता है लेकिन पॉइंटलेस होगा। पॉइंट देके लोगों को चुप कराने की क्षमता या अपने ऊपर टेंशन ना लेने की जो क्षमता होती है, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में मैं अपने ऊपर टेंशन नहीं लूँगा, उस तरीके के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हॉटलाइन चाहिए, एक धागे जैसा इस तरीके का, ठीक है। ऐसे लोग अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं लेते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये कमज़ोर हॉटलाइन है, इमोशनली कमज़ोर रहेंगे, कुछ लाइन फॉल भी हो रही है तो रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। रिलेशन प्रॉब्लम फ्री है ऐसा नहीं है, मंगल यंत्र जो मैंने कहा है वो भी घर में रिलेशनशिप को स्टेबल करने में मदद करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे माइंड लाइन की जो लंबाई है मोटा मोटी ठीक ठाक है, तो ऐसे लोग बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ऐसे लोग बिजनेस करने से बहुत ज़्यादा लंबे टाइम का स्ट्रगल रहेगा, नहीं, आप लोगों को छोटा मोटा टाइम पीरियड रहेगा, एक डेढ़ साल रहेगा, एक डेढ़ साल अगर कोई बिजनेस आप करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको धीरे धीरे करके उस बिज़नेस में स्टेबिलिटी आ जाएगी। कौन सी बिज़नेस करनी है, देखिए पाम तो आपकी पतली है ना, तो ऐसा कोई बड़ी हेवी प्रोडक्ट का तो बिज़नेस नहीं करना है, आप लोग सॉफ्ट प्रोडक्ट के बिज़नेस कर सकते हैं, जैसे कि लेडीज़ का आपका गारमेंट्स हो गया, ज्वेलरी हो गई, जहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना हल्का हो प्रोडक्ट अगर होती है। और अगर सर्विस ओरिएंटेड कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, मैन पावर सप्लाई वगैरह ये सब कुछ, वो तो सबसे बढ़िया रहेगी। सो अगर आप सॉफ्टवेयर भी करना चाहते हैं उस तरीके के भी, जो भी सारे सॉफ्ट बिजनेस है, मेनली सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है, वो सब कुछ आप कर सकते हैं पाम के अनुसार। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, अगर माइंड लाइन को हम लोग गहराई से देखेंगे, यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, यहाँ से भी एक ब्रांच निकल रही है, और यहाँ से भी एक ब्रांच निकल रही है, लेफ्ट पाम की भी माइंड लाइन हम लोग देखेंगे, लेफ्ट पाम के माइंड लाइन में भी सेम चीज़ है, यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है मरकरी की तरफ, ये भी सन की तरफ, ये सन की तरफ, ये सैटर्न की तरफ, ठीक है, जुपिटर की तरफ भी तो है, यहाँ से जाएगा तो जुपिटर की तरफ, यहाँ भी। तो जब मल्टीपल ब्रांचेस आपकी माइंड लाइन के ऊपर हो इस तरीके का, तो ऐसे लोगों की दिक्कत ये है कि देखिए माइंड लाइन की ब्रांचेस क्या बताती है कि आपकी फोकस किस तरफ है। अगर सन की तरफ है आपकी माइंड लाइन की ब्रांचेस, तो आपकी फोकस रहेगा रिकॉग्निशन पाना, बड़े लीडर होना, नाम करना। सैटर्न की तरफ जाती है तो पैसे कमाना, ठीक है। मरकरी की तरफ जाती है तो ऐसे लोग चाहे कितनी भी बड़ी जॉब करे, उनको मेन फोकस रहती है कि मेरा बिजनेस हो, ठीक है ना, चाहत, मन की चाहत, ज़िंदगी की चाहत क्या है। लेकिन जब हर एक माउंट में भेज रहा है, तब आ जाती है दिक्कत के ऐसे लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं मुझे करना क्या है, नौकरी करनी है, जॉब करना है, प्रोफेशन करना है, हर एक टाइम में हर एक चीज़ अलग अलग टाइम में अलग अलग चीज़ इनको अच्छा लगने लगता है, और अल्टीमेटली डिसीजन लेके कोई काम ये कर ही नहीं पाते हैं। तो ये दिक्कत भी आपके अंदर है कि आप एक क्लियर का डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे कि मुझे एक्चुअली करना ही क्या है, ठीक है। तो मैंने जो सारे प्रोफेशन के बारे में बात बताया है, उसी तरीके का एक ही प्रोफेशन में स्टिक होके लाभ हो, लॉस हो, फेल हो रहे हैं, स्ट्रगल हो रही है, उसी में आप एकदम स्टिक होके रह जाइएगा तो ही सक्सेस मिलेगा। नहीं तो इस तरीके का फ्रीक्वेंट माइंड रहेगा, आप कभी जॉब करेंगे, जॉब को छोड़ देंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, उसको जूस बिज़नेस करने के बाद कोई और प्रोफेशन में चले जाएंगे कि नहीं बिज़नेस भी नहीं, थोड़ा प्रोफेशन में देख लेता हूँ, तो इस तरीके से आप घूमते फिरते रहेंगे और कोई भी एक करियर में आपकी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो 33 ईयर्स तो हो चुकी है, तो इस टाइम जो है आपका मेन डिसीजन लेके काम में चले जाना चाहिए, और चाहे कोई भी सिचुएशन हो उसमें आपको स्ट्रिक्ट रहना है तो आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये हो गई लाइंस की बात, मेन लाइंस की। अभी हम लोग बात करेंगे फेथ लाइन की, मेन प्रॉब्लम फेथ लाइन में है। सन लाइन तो बहुत ही ज़बरदस्त, इवन चलिए लेफ्ट पाम को भी देखा देते हैं कि लेफ्ट पाम में देखिए कि सन माउंट, देखिए लेफ्ट पाम में भी सन लाइन देखिए।
सनलाइन जबरदस्त थे, इस पाम में पोटेंशियल बहुत ही हाई था, लेकिन फेथ लाइन ने सब कुछ बिगाड़ दिया। देखिए फिश की फॉर्मेशन बना रही है, वहाँ पे काइट की फॉर्मेशन थी, यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन, साथ में ट्राइडेंट। तो इससे अच्छा आपको सनलाइन कहाँ दिखेगा, दोनों ही पाम में फेथ लाइन से सनलाइन आ रही है, नीचे से पाम के नीचे के एरिया से, मतलब करीब करीब 28-29 ईयर्स एज के एज से आ रही है, सीधा सनमाउंट में जा रही है, और साथ में कोई लकी साइन है, उसमें काइट थी, यहाँ पे फिश और ट्राइडेंट। तो इससे बढ़िया तो कुछ सन की जो साइन है वो हो नहीं सकती है। लेकिन पाम क्या है, पतली है, कमज़ोर है, मेन लाइंस की फॉर्मेशन कमज़ोर है। तो ये कमज़ोरी क्या है कि इनकी जड़, इनके रूट जो है ना, उसको कमज़ोर कर रही है। और सन क्या करती है कि अगर आपका रूट और जड़ स्ट्रॉन्ग हो तो उसमें ये चार चांद लगा देगा, लेकिन वो लगा नहीं पा रही क्योंकि इनकी बेस ही कमज़ोर है, जिसके कारण सनलाइन से उतनी ज़्यादा बेनिफिट इनको नहीं मिल रहा है। फेथ लाइन को भी देखेंगे ना, तो देखिए फेथ लाइन कैसे बन रही है, ड्रॉ करते हैं। ये एक फिश टेल बन रही है जो बहुत अच्छी है, लेटर लाइफ आपकी बहुत अच्छी जाएगी, लेकिन उसके बाद इस तरीके से फेथ लाइन चल रही है। ये जॉब की फॉर्मेशन है, ठीक है, ये काइट की फॉर्मेशन, ये फिश की फॉर्मेशन नहीं है, ये जॉब की फॉर्मेशन है। उसके बाद फेथ लाइन काफ़ी पतली है और दो दो पैरेलल लाइन से चल रही है। तो इस तरीके से अगर डिस्टरबेंस के कारण अगर आपकी फेथ लाइन चल रही हो तो इस फेथ लाइन से बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद आप नहीं कर पाएंगे कि वो आपको बहुत ज़्यादा हाई सक्सेस देगा, ठीक है। एज की अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चल रही है कि आपकी एज है 33, तो यहाँ से इसी एज के आसपास से जो फेथ लाइन है उसमें स्टेबिलिटी है, ये एक अच्छा पीरियड आपका जाएगा अगले 3-4 साल, ठीक है। इसी एज के 34 के करीब आपकी सनलाइन भी आ रही है फेथ लाइन से, वो भी एक अच्छी है, यहाँ पे एक ट्राइडेंट की फॉर्मेशन भी बन रही है। अगले 2 साल के अंदर अगर कोई छोटा मोटा आप एसेट बनाना चाहते हैं तो बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपकी एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है, अगले 2-3-4 साल आपके लिए फेथ लाइन से अच्छी है, लेकिन उसके बाद फिर से आपको दिक्कत दिखेगी 4-5 साल के लिए, फिर से आपको कुछ और बेनिफिट मिलेगा। तो अप एंड डाउन कैरियर में रहेगा आपका, आपको बस फोकस ये करना है कोई भी एक प्रोफेशन में, चाहे आप नौकरी करें, नौकरी भी करेंगे तो जिस तरीके का काम मैंने बताया उसी तरीके का प्रोफेशन में आपको जाना चाहिए। हाँ, दूसरों से ज़्यादा आपको सक्सेस मिल जाएगी सन के वजह से, लेकिन कोई बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन जब में जाके नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ऑर्गेनाइजेशन भी चूज़ करना है मीडियम, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो पाएगी इस तरीके का बड़ी सक्सेस, क्योंकि फेथ लाइन का साथ चाहिए, फेथ लाइन का जो है कमज़ोरी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये जो पाम हमें देखने को मिल रही है इसमें क्या है, मोटा मोटा बात ये है कि इस पाम में बहुत ज़्यादा फेम मिलेगा, ये पाम इस इंसान के हैं बहुत जल्दी डिप्रेस और एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी कुछ नहीं होगी, मतलब पेशेंट नहीं बनेंगे, ना ही डॉक्टर के पास उस तरीके का साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। फाइनेंशियल कंडीशन हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी रहेगी, हेल्थ इशू अब ठीक है लेकिन लेटर आप में और बेहतर रहेगा, मतलब अभी मोटा मोटी है, आफ्टर 50 ठीक रहेगा, लेकिन प्रेगनेंसी वाइज जो हेल्थ कंडीशन है वहाँ पर इनकी प्रॉब्लम है, उसको इनको ठीक करना है, नहीं तो दिक्कत रहेगी। और इनके बच्चे होने के जो टाइम है वो भी आ चुके हैं, जब भी इनके साथ कुछ अच्छा होता है तो उसके साथ साथ कुछ हार्डल भी होता है, क्योंकि आपकी फेथ लाइन ही तो ऐसी है ना, इररेगुलर, कभी ये अच्छा थोड़ी टाइम के लिए बनता है, उसके बाद एक ऑब्स्टेकल आ जाती है, यहाँ पे क्रॉस है, ठीक है, थोड़ी सी अच्छी होगी फिर कि एक किसी ना किसी तरीके का, जैसे इतना सा अच्छा है उसके बाद फिर से आपके जॉब की फॉर्मेशन बन जाएगी, इससे यहाँ तक अच्छा है, उसके बाद फिर से 2 ब्रांच लाइन हल्का होके भी हो रही है, कहीं पे आपकी फेथ लाइन ज़्यादा हल्की है तो कहीं पे आपकी जो है फेथ लाइन डीप है, तो यहाँ पे हल्का, यहाँ पे डीप हो रही है, यहाँ से एक लाइन आके यहाँ पे क्रॉस करके कट रही है। तो ये सारे जो है आपके हमेशा इस तरीके का अप एंड डाउन रहेगा। लाइफ लाइन की शुरुआत की जो बनावट है ये अच्छी है, लेकिन इसमें बहुत सारी कट है, ब्रांचेस निकल रही है, तो हर एक चीज़ में आपकी जैसे अच्छी भी है साथ में प्रॉब्लम भी है। फेथ लाइन बिल्कुल बुरी है, ख़राब है, लेकिन सन लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सन आपको देने का कोशिश करेगा, सटन लाइन उसको छीनने का कोशिश करेगा। तो इस तरीके से जो है आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है।
ठीक है ना। और भी कुछ रेमिडी है, यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा मैं, अलग से आपको बता दूँगा, ठीक है। सोल्यूशन फॉर सक्सेस, बहुत बड़ी हायर सक्सेस आपके ज़िंदगी में आना मुश्किल रहेगा, आप नेम वाइज आपको सक्सेस मिलेगा, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा। खुद के घर और गाड़ी कब हो पाएगी, वो तो आपका हो जाएगा, बिल्कुल घबराइएगा मत, गाड़ी घर और घर होना कोई बड़ी बात नहीं है। हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी जो आपके अपर माउंट बता रही है उससे तो आपका हो ही जाएगा, शायद हो सकती है कि आपके खुद के अकेले के इनकम से ना हो, आपके हस्बैंड के ज़रिए दोनों मिलके ये चीज़ आप लोग अचीव कर लेंगे। किस एज में होगा, तो देखिए इसी एज जो है यहाँ से लेकर 4-5 साल तो आपके लिए अच्छा है, यहाँ पे एक हमें ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बन रही है, तो अगले 2-3 साल के अंदर एक एसेट बनने का तो जोग आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। सन माउंट में भी ट्रायंगल मिल रही है, लेकिन लाइफ लाइन और कोई लाइन से हमें और कुछ एज की इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। अगर मैं बताऊँगा तो ऐसा होगा कि फेक ना हो गया, लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, तो उस तरीके का प्रेडिक्शन तो मैं देता नहीं हूँ। तो आगे की एज बता पाना मुश्किल रहेगा, लेकिन हो जाएगा, ठीक है, उस तरीके का इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक आगे दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।